सन 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और सन 1603 में पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी फ्रेंच सम्राट हेनरी चौथे के आदेश पर। कंपनी बनी तो सही लेकिन न के बराबर व्यापार कर पाई। ये पहली कंपनी भारत में कोई फैक्ट्री नहीं खोल पाई। इसके बाद 1642 में एक कंपनी और बनी जिसको 22 साल बाद सन 1664 में असली रूप दिया गया, जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट द्वारा। कॉल्बर्ट वो आदमी था जिसने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी। उसका फ्रांस के समुद्री व्यापार के लिए योगदान अद्वितीय था। लुई 14वें के आदेश पे ये कंपनी बनी और इसे 50 साल का एकाधिकार दिया गया, मोनोपोली दी गई। इसके व्यापार का विस्तार भी काफी ज्यादा बताया गया था, केप ऑफ गुड होप से स्ट्रेट ऑफ मैगेलान तक। कंपनी ने इस मुहिम की कमान सौंपी एक ऐसे फ्रेंच को जिसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 30 साल तक पूरब में नौकरी की और उसे पूरब का अच्छा खासा अनुभव हो चुका था। अपने शब्दों में कहें तो जूनियर गवर्नर बन गया था। वो था फ्रांसवा कैरोन, जिसने डच कंपनी छोड़कर फ्रेंच कंपनी को अपनाया। डच कंपनी के लिए झटका कैसा रहा होगा इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई जूनियर सीईओ किसी दुश्मन कंपनी का सीईओ बन जाता है। कैरोन की कृपा से कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां खोली, सबसे पहली सूरत में सन 1668 में। अगले साल एक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली गई। इसके बाद इंडोनेशिया के बांतेन में। भारत के रास्ते में आने वाले मेडागास्कर, मॉरिशस और रियूनियन पर फ्रांस की नजर तो थी ही। मेडागास्कर एक उपजाऊ द्वीप भी था जिसे खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि मेडागास्कर पे कंपनी खास कुछ कर नहीं पाई, लेकिन इसने इसी चक्कर में रियूनियन पर कब्जा कर लिया। तब मॉरिशस पे डच लोगों का कब्जा था। 1673 में कंपनी ने बंगाल में कोलकाता के पास चंदन नगर में उपनिवेश बनाया। इसके साथ ही सन 1674 में बीजापुर की आदिलशाही से पौंडीचेरी को लेकर अपना केंद्र बनाया। आगे चलकर 1701 में इसे फ्रेंच इंडिया की राजधानी बनाया गया। जब तक फ्रेंच भारत में रहे उनकी राजधानी पौंडीचेरी ही रही। डच कंपनी से एक झड़प में कंपनी को 1693 में पौंडीचेरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन 6 साल बाद 1699 में पौंडीचेरी फ्रांस को वापस दे दिया गया। फिर अगले एक दशक में कंपनी ने काफी तरक्की की और डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों से नजरें मिलानी शुरू कर दी। डच लोगों के मॉरिशस छोड़ते ही 1715 में कंपनी ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। फिर आगे चलकर सेशेल्स और चागोस पर भी अधिकार जमा लिया। चागोस आज की तारीख में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहलाता है, BIOT, मतलब हिंद महासागर में ब्रिटेन का एक नेवल बेस। कंपनी के व्यापार को डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का ग्रहण लगा ही रहा। इन दो कंपनियों के आगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही थी और 1718 आते आते उसे सूरत, मछलीपट्टनम और बांतेन की फैक्ट्रियों को छोड़ देना पड़ा। 1719 में कंपनी को जॉन लॉ की मिसिसिपी कंपनी में मिला दिया गया। इस मिसिसिपी कंपनी का काम दोनों ईस्ट और वेस्ट इंडीज का कारोबार संभालना था, लेकिन उसके एक ही साल के भीतर ये कंपनी भी बैठ गई। फिर 1723 में कंपनी का काम फिर से शुरू किया गया और इसी साल कंपनी ने आंध्र प्रदेश के जन्म में उपनिवेश बनाया। फिर तुरंत एक साल में ही केरल में माही में और 1739 में पौंडीचेरी के दक्षिण में कराईकल में कंपनी ने अपने उपनिवेश बनाए। इन उपनिवेशों के अलावा कंपनी के लॉज हुआ करते थे जो छोटे छोटे ट्रेडिंग पोस्ट होते थे। व्यापार की खास वस्तुएं थी कॉफी, कपास के कपड़े, रेशम, चाय, गरम मसाले, पोर्सिलीन, चांदी और टिन। 1707 में औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अलग अलग नवाब उभर कर आने लगे। आज जिसे तमिलनाडु कहते हैं वो इलाका आता था कर्नाटक नवाब के हाथ में। आज की तारीख में हम जिसे कर्नाटक कहते हैं इसका इस कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है। ये कर्नाटक नवाब दरअसल कोरोमंडल का नवाब था, लेकिन कहलाता था कर्नाटक नवाब। ये वो समय था जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़े कारनामे करके दिखाए, जितना कि वो कर सकती थी, और ये हुआ
डुप्ले के नेतृत्व में, डुप्ले की कमान में। इस समय फ्रेंच इंडिया का गवर्नर जनरल था डुप्ले। डुप्ले ने फ्रांस की खातिर भारत की बिखरती राजनीति में हाथ डाला और कोशिश की कि फ्रांस का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो सके। लेकिन अंग्रेज बहुत होशियार थे, एकदम चौकन्ने, मुस्तैदी से सामना करने को तैयार थे और कर्नाटक नवाब को हथियाने के चक्कर में ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच छिड़ गए कर्नाटक युद्ध या कार्नाटिक वॉर्स। इन कार्नाटिक वॉर्स को एक एक करके हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। तो सन 1746 से 1763 के बीच चलने वाले इन कर्नाटक युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत की राजनीति में घुसने के इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यहां तक कि पौंडीचेरी भी चला गया। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति दिखाते हुए पौंडीचेरी फ्रांस को लौटा दिया। अब फ्रांस अपने गिने चुने उपनिवेशों के साथ भारत में रहने वाला था। सन 1769 में फ्रांस के सम्राट लुई 16 ने कंपनी को बंद करवा दिया और सारे उपनिवेश सरकारी हाथ में ले लिए। फिर 1785 में कंपनी फिर से बनी, लेकिन अब वो बात कहां रहने वाली थी। उस समय दक्षिण भारत पर हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के जरिए हावी थे। हैदर अली और उसके बेटे टीपू ने अंग्रेजों पर काबू रखने के लिए फ्रांस और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हमेशा हाथ मिलाकर रखे। आखिर तक ब्रिटिश और डच कंपनियों से लगातार झड़पों के अलावा अपने पूरे इतिहास में इस कंपनी की तीन कमजोरियां रहीं। पहली, जहां डच और ब्रिटिश कंपनियां केवल अपने धंधे से मतलब रखती थीं, अपने काम से काम रखती थीं, फ्रेंच कंपनी ईसाई मिशनरियों को अपने उपनिवेशों में भेजने का काम भी करती थी। क्योंकि फ्रांस एक रोमन कैथोलिक देश था, तो भारत में रोमन कैथोलिक धर्म को फैलाने में फ्रांस और इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दूसरी कमजोरी, इस पर फ्रांस के राजा की कृपा हमेशा बनी रही। तो जब कभी फ्रांस में उथल पुथल होती थी, कंपनी भी डोलने लग जाती थी। फिर 1789 में तो फ्रांस पलट ही गया। फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति ने राजा को पटक दिया। फिर क्रांतिकारी नेताओं ने कंपनी के एकाधिकार को खत्म ही कर डाला। अब क्या था, कंपनी की हालत पहले से ही खस्ता थी, अब बद से बदतर होती चली गई। क्योंकि उसे प्रतिद्वंद या कंपटीशन की आदत नहीं थी। सबसे बड़ी कमजोरी थी जबरदस्त भ्रष्टाचार। 1793 और 94 में जब इसको लपेटा जाने लगा, तब भी इसमें एक घोटाला हो ही गया। इस कंपनी के बार बार बनने और बिगड़ने के इतिहास का अंत भी हुआ तो घोटाले से ही। मरते मरते कंपनी फ्रांस को भारत में 5 उपनिवेश दे गई। 4 आज पौंडीचेरी का हिस्सा है और 5वां चंदन नगर अब पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया है। बाकी बातें फ्रेंच इंडिया के बारे में बात करते समय देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारा चैनल हिस्ट्री गुरु सब्सक्राइब करें और ये ईमेल आईडी भी लिख लें। नमस्कार।